आपने थंबनेल में बिल्कुल सही देखा है, ये सारी स्पेसिफिकेशंस आपको अंडर 20K में मिल रहे हैं और ये फोन है Realme की तरफ से Realme GT Neo 3T। फ्लिपकार्ट पे इसका प्राइस आया है 19,999 रुपए एंड इसकी रियल प्राइस बेस वेरिएंट के 6+128 वाले की 30,000 है एंड इसके पूरी गुंजारिश है कि इसकी प्राइस फिर से 20K में आएगी। सो बस जैसे ही अंडर 20K में आए आपको जाके परचेज कर लेना है। अब डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको मिलती है 6.62 इंच की एक फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले जिसमें 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आता है एंड 360 हर्ट्ज़ TSR आता है। 1300 nits की ब्राइटनेस है तो आउटडोर में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी एंड मल्टीमीडिया व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा होने वाला है। बाकी आपको इसमें पंच होल देखने को मिल जाता है एंड चेन भी स्मॉल साइज में आती है। 20K की प्राइसिंग के अकॉर्डिंग ये डिस्प्ले टॉप नॉच है। अब परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है फ्लैगशिप प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 870 जो की 7nm बेस्ड प्रोसेसर है जो इस प्राइस के रेंज में आपको मिलेगा ही नहीं और ये बहुत ज्यादा पावरफुल एंड फ्लैगशिप चिपसेट है। गेम्स खेल रहे हो, मल्टीटास्किंग करनी है, सारे काम स्मूथली कर देगा। एंड रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलती है DDR4X RAM and UFS 3.1 storage type। ये काफी अच्छी बात है, storage type आपको बढ़िया दी गई है। App opening close multitasking में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी OS and UI की बारे में बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलता है Realme UI 4.0 which is based on Android 13 and इस फोन को लॉन्च हुए अभी 1 year हो चुका है एंड उस टाइम पे Realme ने कहा था इसमें आपको 2 years के सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलेंगे तो 12 था उस टाइम, इस टाइम 13 आ चुका है, मींस अभी आपको 1 साल का और देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 14 तक। बाकी 3 years के सिक्योरिटी पैचेस हैं तो अभी 2 साल के और आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही में बैटरी चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने मिलती है 5000 mAh की बिग मैसिव बैटरी एंड 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग विच इज अ वेरी बेटर कॉम्बिनेशन। बड़ी बैटरी है, अच्छी चार्जिंग है, जल्दी चार्ज होता है एंड बैकअप भी इसका अच्छा है। मुश्किल से आपका ये फोन 30-33 मिनट्स में फुल चार्ज कर देगा 0-100%। बाकी आप कुछ कनेक्टिविटी फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आप ड्यूअल 5G सिम लगा पाओगे, वाइडबैंड 11 का सपोर्ट आता है, कैमरा टू API आता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 दिया गया है, NFC का सपोर्ट आता है एंड यहाँ पे आपको सारे सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा एंड इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आता है विच इज अ प्लस पॉइंट एट दिस प्राइस रेंज एंड यहाँ पे आपको ड्यूअल स्पीकर देखने को मिलते हैं विच इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट फॉर दिस प्राइस रेंज। इतना सब कुछ आपको इस प्राइसिंग पे देखने को नहीं मिलता है। और साथ ही अगर कैमरे की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको दिया गया 64 MP का मेन सेंसर जिससे आप 4K एंड 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे एंड साथ ही में यहाँ पे आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड दिया गया है एंड साथ ही में 2 MP का अनयूजेबल मैक्रो एंड फ्रंट में आपको 16 MP की सेल्फी देखने को मिलती है जिससे आप फुल HD एट 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे एंड ये सारे आप सैंपल देख सकते हो। एंड मैं इतना कह सकता हूँ कि फॉर 20,000 ये फोन का कैमरा काफी बेटर है। 30,000 उसकी प्राइस थी पहले लेकिन उस प्राइसिंग पे इसका कैमरा बेटर नहीं था लेकिन इस प्राइसिंग पे 20,000 पे इसका कैमरा काफी बेटर है। ऑप्टिमाइजेशन अच्छी करता है, सैचुरेटेड फोटोज आते हैं एंड डायनेमिक रेंज वगैरह काफी अच्छे से बैलेंस कर लेता है। आप ये सैंपल्स भी देख रहे हो तो काफी अच्छा कलर कॉन्ट्रास्ट निकाल के दे देता है, स्किन टोन भी काफी अच्छे आते हैं। मीन सर 20,000 की कैटेगरी में ये कंप्लीट पैकेज आपका बन जाता है। आई थिंक अभी आप अगर 20,000 रुपीज की प्राइसिंग में फोन सर्च कर रहे हो सो दिस फोन इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर ये आपको 20,000 मिल रहा है अभी तो आग बंद करके ले लो और अपनी राय कमेंट जरूर शेयर करना आपको क्या लगता है इस फोन के बारे में। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। जय हिंद।